दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगा रहे हैं और स्टोरी लगाने के टाइम पे आपको वहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम से यहाँ पे काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी वो अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, रील्स वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें फिल्टर का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके भी साथ यही प्रॉब्लम है कि आप अपने इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह लगाना चाहते हैं, वहाँ पे फोटो क्लिक करते हैं, गैलरी से अपलोड करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको फिल्टर एड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरे जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते टाइम पर फिल्टर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उनको आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो जैसे कि मैं अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे हम अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहां पर स्टोरी वाले सेक्शन पर जाते हैं। स्टोरी वाले सेक्शन पर जाने के बाद यहां पर जैसे कि हम कैमरे से किसी फोटो को क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए फोटो हमने ऐसे क्लिक कर लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड मुझे यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पूरे मिल जाएंगे। यहां से मैं किसी भी फिल्टर को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अगर आपके इंस्टाग्राम में आपको स्टोरी सेट करते टाइम यहां पर किसी भी तरह का फिल्टर का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहां से आपको इसको बैक ले लेना, चलिए इसको मैं डिस्क्रिएट कर देता हूं। इसके बाद आपको यहां से बैक ले लेना। बैक लेने के बाद सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है कि आपको चले जाना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहां पर आपको सर्च करना दोस्तों इंस्टाग्राम। तो चलिए मैं इंस्टाग्राम को सर्च कर लेता हूं। जैसे आप इंस्टाग्राम को सर्च करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो चेक कर लेना है कि ऊपर की साइड यहां पे जो ओपन लिखा हुआ है, यहां पर अगर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को यहां पे अपडेट कर लेना है। अपडेट करते ही आपका ये प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी अपडेट है या आपने अपडेट कर लिया है फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, फिल्टर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपको थोड़ा सा नीचे की साइड आना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यू आर अ बीटा टेस्टर। मेरे इंस्टाग्राम में आपको इस तरह से इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने इनके बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है। जब आप यहाँ पे फर्स्ट बार आएंगे यहाँ पर आपको ज्वाइन बीटा का ऑप्शन मिलेगा, तो नीचे आपको यहाँ पे जो लीव का बटन देखने को मिल रहा है, इस लीव की जगह आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, तो आपको सिंपली ज्वाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप इनके बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद में जैसे आप इनके बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो ऊपर इंस्टेंटली आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। बीटा प्रोग्राम ज्वाइन करने का फायदा ये होता है दोस्तों कि इंस्टाग्राम में जो भी नया फीचर एड होता है सबसे पहले बीटा वर्जन में ही आता है, बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है और उसी के बाद नॉर्मल यूजर के लिए वो रोल आउट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर इंस्टाग्राम के बाद आपको बीटा लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, इसी तरह से आपको भी यहाँ पे बीटा देखने को मिल जाएगा। ये दो स्टेप आपको फॉलो कर लेना, उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि आपका वहां पे फिल्टर का ऑप्शन ऐड हुआ या नहीं। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी आपको फिल्टर का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको सिंपली तीसरे स्टेप को फॉलो करना है कि आपको अपने इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन पे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे ऊपर आपको शेयर का बटन मिलेगा, एप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा और अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली एप इन्फो पे चले जाना है। ऐप इन्फो पे जाएंगे तो सबसे बॉटम पे आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर कैश कर देना है और उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि फिल्टर का ऑप्शन वहाँ पे एनेबल हुआ या नहीं। लेकिन अगर इसको करने के बाद भी नहीं होता तो आपको सिंपली ऐसे क्लियर ऑल डाटा कर देना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप यहाँ से क्लियर ऑल डाटा करेंगे आप अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएंगे, आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू वहाँ पे दोबारा से लॉग इन करना होगा। ये सारी स्टेप फॉलो करने के बाद 100% आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आपकी स्टोरी पे आपको फिल्टर का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बाद आपकी इंस्टाग्राम पे आपको फिल्टर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको लास्ट स्टेप ये करना है कि आपको इंस्टाग्राम को ही अपने प्रॉब्लम के बारे में बताना होगा। तो प्रॉब्लम के बारे में किस तरह से बताएंगे, आप अपनी स्टोरी पे आएंगे, स्टोरी पे आने के बाद यहां से किसी भी फोटो को क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहां पे जो फिल्टर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि इसका आपको यहां पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसके बाद आपको यहां से बैक ले लेना है। अब बैक लेने के बाद आपको चले जाना है यहां पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे। प्रोफाइल पिक्चर पे जाने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहां पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग को ओपन करेंगे तो नीचे की साइड आप देख सकते हैं आपको हेल्प नाम का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पे टैप करना है और इस पे टैप करने के बाद यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, आपको इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद यहां से आपको रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे फिर से टैप कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको सबसे पहले तो अपना स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है। तो स्क्रीनशॉट आप किस तरह से अटैच करेंगे, आपको गैलरी पे क्लिक करना है और अभी हमने जो अपनी स्टोरी का स्क्रीनशॉट लिया था उसको आपको यहां पे इस तरह से ऐड कर देना है और यहां पर आपको अच्छे से लिख लेना है इंस्टाग्राम को, आपको अपनी प्रॉब्लम बता देना है कि मेरी स्टोरी पे यहां पे फिल्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे अकाउंट को रिव्यू करें और इस प्रॉब्लम को फिक्स करें। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, अच्छे से आपको टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करके अपनी प्रॉब्लम के यहाँ से सबमिट कर देना है। बस दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे इंस्टाग्राम टीम के पास पहुंच जाएगी, उसके बाद वो आपकी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को यानी कि आपके अकाउंट को रिव्यू करेंगे और आपकी प्रॉब्लम कुछ दिनों में यहाँ पे सोल्व हो जाएगी और आपको स्टोरी पे फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों अगर आपको भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह में या रील्स वगैरह में फिल्टर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब
कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।